सो गाइज वीओ प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का डे 2 भी बहुत ही अच्छी तरह कंडक्ट हुआ और हमें 3 बहुत ही अच्छे मैचेस देखने को मिले। तो सबसे पहले आज का मैच से पहले मैं कल के मैच के बारे में बताना चाहूंगा कल क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहला मैच हुआ था गुजरात जायंट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में और 34-27 यानी 7 पॉइंट से गुजरात ने जयपुर को हराया, जो कि हम सोचे नहीं थे, पर मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। मैंने गुजरात कहा था और गुजरात जीता और गुजरात की तरफ से रेडिंग हमें बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन राकेश नरवाल 7 पॉइंट्स लिया उन्होंने और डिफेंस में परवेश भैसवाल ने 4 पॉइंट्स लिया और गिरीश मारुति एर्नेक जो कि लास्ट ईयर बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे उन्होंने 7 पॉइंट्स लिया। राइट लेफ्ट कॉर्नर बहुत ही बढ़िया संभाला यहाँ पे गिरीश एर्नेक ने और रविंदर पहल ने भी यहाँ पे, मतलब रविंदर पहल उतना पॉइंट्स तो नहीं ले पाए, पर यहाँ पे गुजरात की तरफ से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ यहाँ पे गिरीश मारुति एंडेक से। और जयपुर की तरफ से अर्जुन देशवाल हमें सुपर 10 लगाते हुए दिखे, दीपक उड़ा उतना अच्छे फॉर्म में नहीं लगे और संदीप धूल ने भी कुछ अच्छे टैकल्स किए, मतलब 3 पॉइंट्स लिए संदीप नरवाल ने और दीपक हुडा ने 4 ही पॉइंट्स लिए। फिर हुआ दूसरा मैच दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन का और इस मैच का ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला, 41-30 यानी 11 पॉइंट्स से दिल्ली ने पुणे को हराया। इस मैच में आपको मालूम है नवीन, मैंने कहा था नवीन अच्छा करेंगे, नवीन ने 16 पॉइंट्स लिया, ठीक है 16 पॉइंट्स लिया और डिफेंस में यहाँ पे मंजीत और जीवा एक एक पॉइंट लिया और यहाँ पे विजय मलिक बहुत बढ़िया, मैंने कहा था 60 सीनियर में बहुत अच्छा किया इन्होंने और 9 पॉइंट्स इन्होंने लिया और अजय ठाकुर का रेड का जरूरत ही नहीं पड़ा यार, क्योंकि विजय को इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे थे नवीन तो उतना दिक्कत नहीं हुआ दबंग दिल्ली को। और यहाँ पे पुनेरी पल्टन उतना अच्छा नहीं कर पाए, नितिन तोमर जरूर 7 पॉइंट्स लिया, राहुल चौधरी उतना इंप्रेस नहीं कर पाए और यहाँ पे पंकज मोहिते ने भी 4 पॉइंट्स लिया। डिफेंस में विशाल एकदम नहीं चले, बलदेव इस मैच में थे नहीं, सोमवीर थे वो भी कुछ नहीं कर पाए ज्यादा। फिर हुआ तीसरा मैच जो कि था हरियाणा और पटना का ही, मेरा ये प्रेडिक्शन मेरा गलत निकला वरना सारा सही था इस मैच को। यहाँ पे पटना ने हरियाणा को 3 पॉइंट से हराया और मोनू गोयत का बहुत अच्छा फॉर्म देखने को मिला। तो ये तो कल का मैच के बारे में था, तो आज के मैच मतलब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज भी 3 मैचेस होगा, पहला यू मुंबई दबंग दिल्ली तमिल बेंगलुरु फिर बंगाल और गुजरात, तो आज भी 3 मैचेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज का मैच की तरफ, पहला मैच जो कि यू मुंबई और दबंग दिल्ली का 24 तारीख 7:30 बजे सबसे पहला मैच सेरेटन ग्रैंड। सबसे पहले 2019 का रिकॉर्ड जानते, तो पहले बार जब हुआ तो 16 पॉइंट से दिल्ली ने मुंबई को हराया, फिर वापस हुआ तो ये मैच टाई हुआ, मतलब इसमें तो दिल्ली का पलड़ा भारी है। तो हम लोग सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड जान लेते हैं, तो पूरे पीकेएल में 16 मैचेस हो चुके हैं, 12 बार मुंबई जीता है और बस 3 बार दिल्ली जीता है और 1 बार टाई हुआ है, ठीक है। तो ये हेड टू हेड रिकॉर्ड था। सबसे पहले हम स्टार्टिंग 7 जानेंगे दोनों टीम्स का, तो सबसे पहले यू मुंबई का जान लेते हैं। तो यू मुंबई के लिए इस बार सेंटर में खेलने वाले हैं वी अजीत कुमार, जिन्होंने सुपर 8 लगाया था आपको याद होगा लास्ट मैच में, और यहाँ सपोर्टिंग लीडर्स में राइट इन पे अभिषेक सिंह जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, 19 पॉइंट्स इन्होंने लिया, और लेफ्ट इन पे हमें देखने को मिलेंगे मोहसिन मकसूदलू। अब बात करते हैं 2 कवर्स का, तो राइट कवर पे हमें देखने को मिलने वाले इस बार आशीष सांगवान जो कि पवन को 2 बार आउट कर चुके थे, और लेफ्ट इन पे हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट कवर पे हरिंदर कुमार जिन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है मुझे, और कॉर्नर्स में राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले रिंकू एक्सी जो जिन्होंने 2 पॉइंट्स लिया, और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें फजल अत्राचरी देखने को मिलेंगे सुल्तान द कैप्टन ऑफ मुंबई। तो ये रहने वाला यू मुंबई का स्टार्टिंग 7, मैं रिपीट कर देता हूं, आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे वी अजीत कुमार सेंटर, अभिषेक सिंह राइट इन पे खेलेंगे, मोहसिन मकसूद लेफ्ट इन, आशीष सांगवान राइट कवर, रिंकू हरिंदर कुमार लेफ्ट कवर, रिंकू एक्सी राइट कॉर्नर, फजल अत्राचरी लेफ्ट कॉर्नर। तो ये रहने वाला है यू मुंबई का स्टार्टिंग 7 इस मैच के लिए। अब बढ़ते दबंग दिल्ली का स्टार्टिंग 7 जो कि रहने वाला है इस मैच के लिए। तो सेंटर में खेलने वाले हैं नवीन कुमार गोयथ, कोई डाउट नहीं, नवीन एक्सप्रेस अगर चल गए तो और मजा आएगा आज वापस, और सपोर्टिंग लीडर्स में राइट इन पे अजय ठाकुर देखने को मिलेंगे, अगर इनका मतलब सब्स्टिट्यूट करके आया तो कुछ भी हो, लेकिन लेफ्ट इन पे यहाँ पे विजय मलिक जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट निभाया है नवीन के साथ, कवर्स में राइट कवर पे जीवा कुमार जीवा अन्ना देखने को मिलेंगे, और लेफ्ट कवर पे माइटी मंजीत चिल्ला जिनको फॉर्म में आना बहुत जरूरी है आज के मैच में। अब कॉर्नर्स का बात करें तो राइट कॉर्नर पे संदीप नरवाल जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टैकल किए, 3-4 पॉइंट्स इन्होंने लिया था प्रीवियस मैच में, और लेफ्ट कॉर्नर पे द कैप्टन ऑफ दिल्ली जोगिंदर सिंह नरवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो ये है दबंग दिल्ली का स्टार्टिंग 7 इस मैच के लिए। तो रिपीट कर देता हूँ, नवीन कुमार सेंटर, अजय ठाकुर राइट इन, विजय मलिक लेफ्ट इन, जीवा कुमार राइट कवर, मंजीत चिल्लर लेफ्ट कवर, संदीप नरवाल राइट कॉर्नर, और जोगिंदर नरवाल हमें लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिलेंगे। अब बात
करते हैं प्लेयर बैटल जो कि देखने को मिलेगा, तो पहला है नवीन कुमार वर्सेस वजलत राजली, दूसरा है अभिषेक सिंह वर्सेस संदीप नरवाल, तीसरा है विजय मलिक वर्सेस दोनों कवर्स आशीष हरिंदर, और चौथा है वी अजीत वर्सेस जीवा कुमार। आप कमेंट में लिख के बताओ आप कौन सा बैटल देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अब बात करते हैं टॉप प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहला ये है कि अभिषेक और नवीन एक्सप्रेस दोनों आज सुपर 10 लगाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट लिखा कि हरिंदर कुमार और फजल दोनों युमुंबा के प्लेयर हाई फाइव पूरे करेंगे। और थर्ड पॉइंट लिखा कि दो बार कोई एक टीम ऑल आउट होगा, तो मुंबई या दिल्ली में कोई एक टीम है जो ऑल आउट होने वाला है दो बार। चौथा है कि अभिषेक सिंह वापस बेस्ट रेडर होंगे, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और पांचवा पॉइंट यही है कि मुंबई इस मैच को जीतने वाला है जरूर। मैं दबंग दिल्ली फेवरेट हूं, पर मुझे लगता है मुंबई इस बार ये मैच जीत सकता है, बहुत स्ट्रांग है। अब बात करते हैं दूसरा मैच जो कि तमिल और बेंगलुरु के बीच 8:30 बजे आज खेला जाएगा। तो सबसे पहले 2019 का रिकॉर्ड जान लेते हैं। पहले बार जब तो बेंगलुरु ने 11 बार हराया तमिल को, वापस हुआ तो 6 पॉइंट से बेंगलुरु ने वापस हराया। तो यहां पे बेंगलुरु का पड़ा भारी है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड जानते हैं, तो इनका 8 बार हुआ टोटल मैच, 1 बार तमिल जीता है, 7 बार बेंगलुरु जीता है। तो यहां पे बेंगलुरु का पड़ा भारी है। अब बात करते हैं दोनों टीम्स का स्टार्टिंग 7। तो सबसे पहले हम लोग तमिल थलाइवास का स्टार्टिंग 7 जान लेते हैं इस मैच के लिए। सेंटर बैक चेंज देखने को मिल सकता है, भवानी राजपूत की जगह मैं चाहता हूं डेफिनेटली एमएस अतुल खेले। सपोर्टिंग रेडर्स में राइट इन पे के प्रपंजन देखने को मिलेंगे, और लेफ्ट इन पे हमें देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे मंजीत, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में 14-15 पॉइंट्स लिया था, बहुत इंप्रेस किया। कवर में राइट कवर पे कैप्टन तमिल सुरजीत नरवाल जो कि अच्छे फॉर्म में है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले लेफ्ट कवर पे मोहित, जिन्होंने बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेस किया एज अ यंगस्टर। और राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं सागर जो कि लास्ट ईयर भी तमिल में थे, और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं साहिल। ठीक है, तो ये है तमिल थलाइवास का स्टार्टिंग सेवन, आपने स्क्रीन पे देख सकते हो। भवानी राजपूत अतुल एमएस में से कोई एक खेल सकते हैं, मैं चाहता हूँ अतुल खेले सेंटर पे, प्रपंजन राइट इन, मंजीत लेफ्ट इन, सुरजीत सिंह राइट कवर, मोहित जाकर लेफ्ट कवर, सागर राठी राइट कॉर्नर, और साहिल गुलिया लेफ्ट कॉर्नर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स का स्टार्टिंग सेवन जो कि इस मैच के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर, तो सेंटर पे कोई डाउट नहीं, चंद्रन रंजीत जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में लगे, अच्छा सपोर्ट किया पवन का, और सपोर्टिंग रेडर्स में राइट इन पे पवन में सुपर टीम तो लास्ट मैच में लगाया, आज और ज्यादा अच्छा करे अपनी टीम को जिताए। लेफ्ट इन पे हमें दीपक नरवाल देखने को मिलेंगे जीबी मोरे की जगह, मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा। कवर्स में राइट कवर पे मयूर कदम, इन्होंने भी इंप्रेस किया है मुझे, और यहाँ पे हमें लेफ्ट कवर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं महेंद्र सिंह जो कि वाइस कैप्टन है बेंगलुरु के। कॉर्नर्स का बात करें तो राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले यहाँ पे सौरभ नांदल, और लेफ्ट कॉर्नर पे अमित चोरन, ये दोनों जोड़ी को चलना आज बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बेंगलुरु का आज कुछ हो सकता है। तो स्टार्टिंग सेवन में बता देता हूँ, चंद्रन रंजीत सेंटर, पवन सेरावत राइट इन, दीपक नरवाल लेफ्ट इन, मयूर कदम राइट कवर, महेंद्र सिंह वाइस कैप्टन लेफ्ट कवर, सौरभ नांदल राइट कॉर्नर, अमित सोरेन लेफ्ट कॉर्नर। अब बात करते हैं स्टार्टिंग सेवन है, अब बात करते हैं प्लेयर बैटर्स टू वॉच आउट। पहला है मंजीत वर्सेस अमित सोरेन, दूसरा है पवन सेरावत वर्सेस मोहित तमिल वाले, तीसरा है चंद्रन रंजीत वर्सेस सुरजीत सिंह कैप्टन, और चौथा है प्रपंजन वर्सेस महेंद्र मयूर, ये दोनों कवर्स है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टॉप प्रेडिक्शंस, मैंने प्रेडिक्ट क्या किया, तो पहला पॉइंट ये कि मंजीत और पवन, तमिल के मंजीत और बेंगलुरु के पवन हाई फ्लायर दोनों सुपर 10 लगाने वाले, और तमिल के जो मोहित है इन्होंने बहुत इंप्रेस किया है मुझे, और ये बेस्ट डिफेंडर रहने वाले। और तीसरा पॉइंट ये कि चंद्रन रंजीत और प्रपंजन, ये दोनों अपने टीम्स के लिए 7-8 रेड पॉइंट्स ला सकते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा सकते हैं मंजीत और पवन का। चौथा पॉइंट ये कि एक टीम 3 बार ऑल आउट हो सकता है, क्या वो तमिल है बेंगलुरु, लेकिन ऐसा हो सकता है। और पांचवा पॉइंट ये कि बेंगलुरु बुल्स ये मैच जीतने वाला है। अब बात करते हैं थर्ड मैच, आज का आखिरी मैच बेंगलुरु गुजरात, 9:30 बजे बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और 2019 का रिकॉर्ड देख लो, पहला मैच हुआ तो 2 पॉइंट से बंगाल ने गुजरात को हराया, फिर वापस हुआ तो ये मैच टाई में खत्म हुआ। अब जानते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो 5 मैचेस हो चुके हैं दोनों के बीच में, 2 बार बंगाल जीता है, 1 बार गुजरात जीता है, और 2 बार मैच टाई भी हो चुका है। तो अब बात करते हैं हम लोग दोनों टीम का स्टार्टिंग सेवन, तो सबसे पहले हम लोग बंगाल वॉरियर्स का स्टार्टिंग सेवन जान लेते हैं इस मैच के लिए। सबसे पहले सेंटर पे देखने को मिलेंगे मनिंदर सिंह, जो कि मुझे लगता है आज और ज्यादा अच्छा करना चाहेंगे। अब बात करते हैं दो सपोर्टिंग रेडर्स, तो राइट इन पे मोहम्मद नबीबख्श जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, ऑलराउंडर बहुत कमाल के फॉर्म में थे, और लेफ्ट इन पे सुकेश हेगड़े देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अच्छा सपोर्ट दिखाया मनिंदर और नबीबख्श का। कवर में राइट कवर पे हमें दर्शन जी देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में, सीजन 6 के बाद फॉर्म में आए, 4 पॉइंट्स लिया, और
लेफ्ट कवर पे परवीन देखने को मिलेंगे जो कि हरियाणा के टीम में थे पहले। कॉर्नर्स में कोई डाउट नहीं, राइट कॉर्नर में अबुजार मेघानी देखने को मिलेंगे और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें रिंकू नरवाल देखने को मिलेंगे। दोनों कॉर्नर्स को चलना इस मैच में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्टार्टिंग सेवन में वापस बता देता हूँ, तो मनिंदर सिंह सेंटर, मोहम्मद नबीबख्श राइट इन, सुकेश हेगड़े लेफ्ट इन, दर्शन जे राइट कवर, परवीन सतपाल लेफ्ट कवर, अबुजार मेघानी राइट कॉर्नर और रिंकू नरवाल लेफ्ट कॉर्नर। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटर्स टू वॉच आउट इन दिस मैच। तो सबसे पहला क्या है कि मनिंदर सिंह वर्सेस गिरीश एरनैक, दूसरा है राकेश नरवाल वर्सेस मोहम्मद नबीबख्श। भाई बच के रहो, नबीबख्श अगर अच्छा करिए तो मुश्किल है। हेगड़े वर्सेस सुनील है और चौथा है नबीबख्श वर्सेस रविंदर। अब बात करते हैं टॉप प्रेडिक्शंस। तो पहला पॉइंट क्या है कि मनिंदर सिंह सुपर 10 लगाने वाले, दूसरा यह है कि नबीबख्श और गिरीश एरनैक दोनों हाई फाइव लगाने वाले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तीसरा ये कि राकेश नरवाल और सुकेश हेगड़े डिसेंट परफॉर्म करने वाले। चौथा पॉइंट ये कि 2 से 3 बार ऑल आउट होगा कोई टीम। और पांचवा पॉइंट कि बंगाल ये मैच जीतने वाला है। तो ये था आज का डे 3 का सारे मैचेस का प्रीव्यू। तो देखते हैं कौन जीता है। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।